अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज जिस प्रोडक्ट का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, ये बच्चों से रिलेटेड, टॉडलर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट है। जो बच्चे रिंगना शुरू करते हैं अभी, मतलब चलने से पहले जो क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, उन बच्चों से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। नी पैड्स इन्हें कहते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे क्रॉलिंग करते हुए, उनके अक्सर घुटने जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, या उनके जो कपड़े हैं वो जो नीज़ होते हैं, घुटने होते हैं, वहाँ से फट जाते हैं। उनके लिए ये नी पैड्स होते हैं, ताकि एक तो उनके अपने नीज़ जो हैं वो बचे रहें, क्रॉलिंग करते हुए फर्श से वो उन पर रगड़ ना लगे, पैचेस ना आएँ, और दूसरा उनके कपड़े भी बचे रहें। या आप कपड़ों के ऊपर से भी पहना सकते हैं, और अगर वो जिस तरह समर्स वगैरह हैं, निकर उन्होंने पहनी हुई है, और वो उनका जो जो टांगे हैं और उनके घुटने जो हैं वो डायरेक्ट फर्श के ऊपर वो रिंगते हुए उनके साथ अटैच हो रहे हैं, तो वो उन पे खराशें आ सकती हैं, ज़ख्म लग सकते हैं। तो उसके लिए ये नी पैड्स काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। इनमें दो तरह के आर्टिकल्स आते हैं, और दोनों आर्टिकल्स में डिफरेंट कलर्स हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है, और इसके बाद एक ऊपर जो लाइन में आर्टिकल लगा हुआ है, ये आर्टिकल है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो इस आर्टिकल पर करेंगे। इसमें चार कलर्स हैं, ये ग्रे कलर, पिंक कलर, और ये लाइट ग्रीन कलर, और ब्लैक कलर। तो चलिए इनको ओपन करके एक दफ़ा देख लेते हैं कि किस तरह के। अच्छा, ये देखें, ये सॉक्स की तरह का मटेरियल है, फ्लेक्सिबल। मैं आपको हाथ पे पहना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये इस तरह होता है, और ये ऊपर रबड़ के ये दिए गए हैं, ताकि ये नॉन स्लिपरी बने। ये नीज़ पे आ जाएगा, घुटनों पे आ जाएगा ये वाला हिस्सा, और ये पहना जाएगा। सॉक्स वाला इसमें मटेरियल है, लेकिन थोड़ा मोटा है, जिस तरह सर्दियों की सॉक्स होती हैं, आप उस तरह का कह सकते हैं, थोड़ा मोटा मटेरियल है ये। इसको आप डायरेक्ट टांगों पे भी चढ़ा सकते हैं, और अगर पजामा वगैरह पहना है तो आपको है कि पजामा ना फट जाए बच्चे का, ट्राउज़र पैंट वगैरह ना गंदी हो, तो आप ये कपड़ों के ऊपर से भी ट्राउज़र के ऊपर से पहना सकते हैं। इसके बाद ये ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। अच्छा, ये जो रबड़ की ये हैं, ये फ्रंट पे ही आएंगे, नी वाली साइड पे, बैक पे नहीं है। ब्लैक जो बैक है इसकी वो प्लेन है। ये दो ओपन हुए। इसके बाद ये तीसरा ग्रे कलर, इसको ओपन कर लेते हैं। सेम इसी तरह ये ग्रे कलर, और इसकी ये बैक साइड, और चौथा जो हमारे पास इस आर्टिकल में कलर है वो पिंक कलर है, लाइट पिंक कलर। चारों में सेम ये रबड़ के ये बने हुए, ये ग्लू टाइप है, कुछ रबड़ भी नहीं लग रही, ये साथ ही अटैच है, उतरने वाली नहीं है, और बैक साइड से इस तरह। ये मैं पास से करके दिखाऊंगा अगर आपको, ये देखें। ये तो थे एक आर्टिकल, इसमें चार कलर्स, और चलिए अब दूसरा आर्टिकल देखते हैं, थोड़ा सा पास कर लें। इसमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलर हैं, ग्रे डबल कलर हो गया, 6 कलर इसमें अवेलेबल हैं। ये सबसे पहले ऑरेंज कलर, इनको मैं साथ साथ ओपन करके आपको जरा दिखाता चलूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस दिखा दूँ इसमें। ये देखें, ये दोनों आर्टिकल्स में थोड़ा डिफरेंस है, प्राइस का भी फॉर श्योर डिफरेंस होगा, और इसके साइज़ का अगर मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाऊं, थोड़ा सा साइज़ में भी डिफरेंस है। ये थोड़े बड़े हैं, और इनके जो ये पैड हैं, ये भी थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, इस कुशनिंग वाले पैड हैं। इसमें तो थे ये रबर और ग्लू टाइप, ये कुछ ये गोल गोल इस तरह लगा हुआ है, लेकिन इसमें प्रॉपर ये स्टिच हो के, और ये नी पैड, प्रॉपर नी पैड ये बनाया गया है कुशनिंग के साथ। ये सॉफ्ट है, इसके अंदर फॉर्म दिया गया है, और सेम इसी तरह ये सॉक्स वाला मटेरियल है, लेकिन इसका मटेरियल थोड़ा पतला है। ये जो सही सॉक्स आती हैं ऑल वेदर वाली, वो वाला मटेरियल है ये, और इसका भी चले मैं आपको हाथ पे पहन के आपको मैं दिखा दूँ। ये देखें, ये वाली साइड जो है ये बच्चों के नी वाली साइड पे, घुटने वाली साइड पे आएगी, और रिंगते हुए उनके जो घुटने हैं वो ज़ख्मी नहीं होंगे, उन पर स्क्रैचेज नहीं आएंगे, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। ये तो था ऑरेंज कलर। इसके बाद
ये पैकेज का देखें जो जो मैंने आपको दिखा दिया, ये आ गया ग्रे कलर सेम इसी तरह कुशनिंग पैड ग्रे कलर। ग्रे कलर के बाद जो है पिंक कलर। अच्छा इसमें जो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसके जो बेस कलर है वो वाइट है और साथ में ये एड ऑन किया गया है कलर, जबकि जो पिछला आर्टिकल था वो कम्प्लीट ही कलर चेंज होते थे। ये देखें दोनों पिंक, थोड़ा शेड का भी फ़र्क है लेकिन ये कम्प्लीट जो है वो कलर चेंज है और ये जो बेस कलर है वो सेम है, ये साथ ऐड ऑन किए गए हैं कलर। जिस तरह ये लाइम ग्रीन कलर ऐड ऑन है, इसमें पिंक कलर ऐड ऑन है। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, बैक साइड प्लेन और फ्रंट पे ये कुशनिंग पैड। इसके बाद ये ग्रीन कलर और ये सेम है। मैं आपको चलो मैं खोल के भी दिखा देता हूँ सब एक दफ़ा। ये जल्दी जल्दी ये जो है ये रेड कलर, इसके बाद लाइट ब्लू कलर और ये ग्रीन कलर। होपफुली ये वीडियोज़ आपको अनबॉक्सिंग की और ओवरव्यू की अच्छी लगी होंगी। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।